ਘਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਲਿਗੜਤਾ 2 ਵਜੇ ਲਿਗੜਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗੱਲ ਆ 3 ਵਜਣੇ ਵਜਣੇ ये दिन में 3 बार रूप बदलती है। पानी के बीचों बीच है मंदिर, क्योंकि वो बूढ़ा दिखता होगा, ये तो भाई साफ नाटक है। ऐसा कुछ है जी, है देवप्रयाग संगम। राम राम जी सारा ने। तो भाई सुबह के 6:40 का समय हो गया, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और भाई कल रात को हमने यहाँ पे टेंट लगाए थे, भाई ये पेट्रोल पंप है और इसके सामने भाई ये जगह खाली मिल गई थी हमें, शायद हो सकता भाई को इसका बढ़ने लग रहा हो, ये फिलहाल अभी खाली पड़ा था। तो भाई यहीं पे टेंट लगा दिया हमने, 2 तो ये लगे हुए हैं, एक और लगा हुआ था। तो अभी फिलहाल सामान पैक करते हैं भाई, निकलते जी यहाँ से। अभी देखो भाई मेरा तो पता नहीं भाई मैं कहाँ जाऊँगा अभी, कहाँ नहीं जाऊँगा भाई। अपने जो महेश भाई है और विकास भाई है वो तो जाएंगे भाई सीधा अपने घर की तरफ, मेरा नहीं पता भाई मैं कहाँ जाऊँगा अभी, क्या प्लान है कुछ नहीं पता अभी फिलहाल। धारी देवी चलते हैं भाई साथ, धारी देवी तक साथ रहूँगा मैं, उसके बाद नहीं पता भाई कहाँ जाऊँगा मैं, क्या प्रोग्राम है मेरा। ठीक है जी, पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, पीछे ये नदी, सूर्य देवता निकल गए जी। चलो ठीक है जी, सामान पैक करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। लो भाई तैयार होते होते जो है 8 बज चुके हैं पूरे, और सामान अपना पैक हो गया जी, बाइक पे सामान लोड हो गया है और अभी अभी सामान भाई बिल्कुल पैक हुआ है। और ये भाई मिल गए हमें मुरादाबाद से है, मुरादाबाद से हाँ इस गाड़ी में आए भाई, और यहाँ पे बढ़ा रहे जी चाय। अभी मुरादाबाद वाले भाई पिलाएंगे हमें चाय, है चाय पिलाएंगे हाँ। ये सारे भाई 6-7 बंदे हैं ये सारे, और उधर दोनों बाइक रेडी हो चुकी है भाई, और चाय पीते जी। फिर आगे जो है ना ये ढाबा है भाई, इस मोड़ पे आगे जाएंगे भाई, वहाँ पे पराठा खाते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा भाई सुबह सुबह, ये तो चला नहीं जाएगा। और विकास भाई को कुछ कह रहे थे ना भाई, कोई कितने तो कोई 4 बजे लिगड़ता 2 बजे लिगड़ता जाना ही गल, 3 बजने जो कोई ट्रैक करता तो कोई बाइक राइड करता तो कुछ करता तो कह रहे पीते हो ना पीते हो चाह पिया होगा भरपूर भाई, कोई किसी बात की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, रेल नहीं पकड़नी भाई। ठीक है जी, समझ जाना आप। ठीक है जी, मेरे साथ आओ अगली बार से, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है जी, चलो मिलते हैं आपको। लो भाई वहाँ से सीधा, अब यहाँ रुके हम धारी देवी पे। धारी देवी भाई साहब भीड़ देख रहे हो कितनी है, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई साहब, अंत की भीड़ है। तो भाई 10:30 का समय हो गया और पहुँच चुके हम धारी देवी। ये धारी देवी का भाई मेन गेट है, यहाँ से आपकी एंट्री होगी भाई। भाई मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, माता के दर्शन हो चुके हैं, और इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो माता है ना, ये दिन में 3 बार रूप बदलती है, तो सुबह को कन्या, दिन में युवती और शाम को बूढ़ी के रूप में, तो ऐसा कुछ है। और जो 2013 में जो आपदा आई थी ना, वो इसी कारण आई थी भाई, माता की जो मूर्ति थी ना उसको हटा के और कहीं स्थापित करना चाह रहे थे, तो तभी ये 2013 में ये बाढ़ आई थी। ठीक है जी, और इसकी जो टाइमिंग है ना भाई, सुबह ये 5:45 पे खुल जाता है मंदिर, और शाम को 7:15 मैक्सिमम 7:30 जो है बंद हो जाता है। 5:30 बजे जो है, 5 या 5:15 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है, और 6 बजे शायद खुल जाता है प्रॉपर तरीके से। बाकी भाई साइड का इसके आसपास मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार नज़ारा, चारों तरफ भाई मतलब पानी के बीचों बीच है ये। अभी चलते हैं भाई उस साइड, नीचे की साइड चलते हैं, और ये भाई ये रास्ता है यहाँ से, इसमें से ऐसे फिर ये ऊपर और फिर वहाँ ऊपर। तो भाई माता को जो है ना, ये जो 4 धाम है उत्तराखंड के, जो 4 धाम है इनका रक्षक भी माना जाता है भाई। और जब आप 4 धाम की यात्रा शुरू करते हो ना, तो यहाँ पे पहले दर्शन करने होते हैं,
यहाँ पे पहले दर्शन करो, उसके बाद अपनी जो चार धाम की यात्रा है ना वो स्टार्ट करो भाई, ऐसी मान्यता है। ये देखो जी, बिल्कुल जो है पानी के बीचों बीच है मंदिर। आज मैं पहली बार आया हूँ भाई साहब। मैं यहाँ पे जो है ना लगभग 10-15 बार, पता नहीं कितनी बार आ चुका हूँ मैं, 10-12 बार आ चुका हूँ, लेकिन आज पहली बार दर्शन करे मैंने अंदर जाके। और अब यहाँ पे थोड़ा फोटो सेशन करते हैं भाई, रील वगैरह बनाते हैं, वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, चलो भाई दर्शन हो गए हैं और बाइक हमने यहाँ पर लगाई थी। ठीक है जी, यहाँ से प्रसाद लिया था इस दुकान से और यहीं पर अपना सामान वामान रख दिया था। तो भाई ये भी मतलब पक्के हैं, अगर यहाँ से प्रसाद लोगे तो आप सामान रख सकते हो, मतलब ऐसे ही है पक्के भाई साहब। ये केवल बूढ़ा दिखता होगा, ये तो भाई साफ नाटक है कि भाई यहाँ बाइक वाइक कुछ खड़ी नहीं होगी। और भाई माँ धारी देवी जो है ना श्रीनगर से 13 किलोमीटर पड़ता है भाई, श्रीनगर से 13 किलोमीटर है और बहुत ही मान्यता है भाई इस मंदिर की। 2013 में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि बाढ़ आई थी, तो इस मंदिर को हटा दिया था शायद, इसलिए मतलब मंदिर को हटाने के तुरंत बाद मतलब 1-2 घंटे में शायद जो ना ये बाढ़ आ गई थी भाई केदारनाथ में। इतनी शक्ति है भाई इस देवी की। और अभी भाई मैं शायद ऋषिकेश रुकूंगा आज, और ये दोनों भाई निकल जाएंगे अपने घर की तरफ, मैं ऋषिकेश रुकूंगा शायद। अभी आगे का कुछ प्लान नहीं है भाई, मैं अनप्लान चल रहा हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं भाई कि कहाँ जाऊँगा मैं, किस टाइम कहाँ रहूँगा, कुछ आइडिया नहीं है भाई साहब। श्रीनगर से निकलना मुश्किल हो रहा भाई, इतना जाम यार, इतना जाम, और गर्मी तो कहाँ का तो मतलब कोई हिसाब किताब ही नहीं है भाई गर्मी का भाई साहब। मैंने पतली पतली टी शर्ट पहन रखी है पतली पतली, उसमें भी भाई साहब हालत ख़राब हो गई यार मेरी। श्रीनगर पार ही नहीं हो गया जरा भाई, कि भाई जब ये चार धाम यात्रा खुलती है ना तो इस टाइम तो भाई बिल्कुल ही मत आओ, बहुत जाम हो जाता है, बहुत जाम। तो भाई 2:45 का समय हो गया और यहाँ पे अभी रुके थे भाई इस होटल पे, यहाँ खाना वाना खाया था भाई हमने। तो यहाँ से जो है ये दोनों जा रहे भाई, महेश भाई और विकास भाई दोनों जा रहे हैं। केक काट देंगे वो तो, जब भी लाना है रिबिलाना, जब भी लाना हो तो काट देंगे केक। तो भाई मैं आप 2-3 घंटे आराम से सोऊंगा भाई, मेरे को आज ही नींद पूरी नहीं हुई थी, मैं आराम से सोऊंगा, नींद पूरी करूँगा और फिर इसके जाकर बाइक यहीं पे लगा दी भाई साइड में। और यहाँ अभी फिलहाल हमें ना देवपुरी आज में, देवपुरी जो संगम है ना वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है फिर भाई, है ठीक है महेश भाई। Thousands of tears later. तो भाई अभी समय हो गया है 6:30 का और भाई साहब बढ़िया 2-2.5 घंटे की नींद ले ली है मैंने आराम से, बढ़िया भाई नींद पूरी हो गई है, अब जो है मैं चल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। उस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और उसके बाद जो वहाँ पे रुके थे हम रोटी खा ली भाई साहब, उसके बाद और ज़्यादा नींद आ गई, तो भाई मैं सब सो गया था, वे दोनों निकल गए। अभी फिलहाल मैं हूँ भाई देवप्रयाग, देवप्रयाग में है ये संगम। ठीक है जी, ये अलकनंदा रिवर है राइट साइड वाली, ये लेफ्ट साइड में भागीरथी है, और यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है जी। मैं पता नहीं भाई साहब कितनी बार आया हूँ यहाँ पे, मेरा कम से कम ये होगा भाई 10-12 बार मैं आ चुका हूँ इस रूट से, 10-12 बार जो है ना मैं निकल चुका हूँ, एक ही बार भाई साहब मैं नीचे गया हूँ। ठीक है जी, बाकी ऐसा कुछ है जी, है देवप्रयाग संगम, और यहाँ से जो है ना ये गंगा रिवर बन जाती है भाई आगे जाके, जो कि हरिद्वार में मिल हरिद्वार जा रही है भाई यहाँ से, ये ऐसा कुछ सीन है भाई ये देवप्रयाग संगम का, और ये ऊपर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है जी ये। तो चलो ठीक है जी, अब मैं सीधा शायद भाई ऋषिकेश रुकूंगा मैं, बीच में भाई ब्लॉगिंग वगैरह करूँ ना करूँ भाई कुछ नहीं पता, आज का जो ब्लॉग है यहीं पे समाप्त करते हैं भाई हम। ठीक है जी, बाकी अगर आगे कुछ होगा तो आपको मैं बता दूंगा भाई जो भी कुछ होगा। ठीक है जी, चलो मिलते हैं जी आपको सीधा ऋषिकेश में।